चंद रोज़ कबल अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने भी ऐलान किया था कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट कंपनीज के हवाले से बनाए गए नए एक्ट के निफाज से कबल कैनेडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई ख़त्म कर दी जाएगी। कैनेडा और उसके इत्तेहादी तैयारा PS-752 को गिराने पर ईरान को बैनुल अक्वामी अदालत इंसाफ में ले जा रहे हैं। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कैनेडियन मौसमियाती एजेंसी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुमे के रोज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पीर की रात तक जारी रहने का इम्कान है। मैक्सिको में शदीद गर्मी के बाइस दो हफ्तों के दौरान मजीद 100 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मार्च से अब तक हलाक अफराद की तादाद 112 हो गई। तुर्किया, मराकश, उर्दन और मुतहदा अरब अमारात ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की शदीद मजम्मत की है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इस हवाले से कहा कि मगरब के लोगों को सिखाएंगे कि मुकदस इकदार की तौहीन करना इजहार राय की आज़ादी नहीं। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. चंद रोज कबल अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने भी ऐलान किया था कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट कंपनीज के हवाले से बनाए गए नए एक्ट के निफाज से कबल कैनेडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म कर दी जाएगी। रवा माह के शुरू में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मेटा और गूगल कानून साजी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए धमकाने वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन न्यूज एक्ट फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को तजारती माहदों पर बातचीत करने और खबरों के पब्लिशर्स को उनके मवाद के लिए अदायगी करने पर मजबूर करने के कवानीन का खाका पेश करता है, जो कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया में मंजूर किए गए एक अहम कानून की तरह है। मेटा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि हम तस्दीक कर रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज एक्ट के नाफिज होने से पहले कनाडा में तमाम सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों की दस्तियाबी खत्म हो जाएगी। गूगल ने इससे कबल कहा था कि कनाडा का कानून ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में नाफिज करदा कानून से ज्यादा सख्त है और उसने खदशात को दूर करने के लिए तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, जबकि गूगल के तर्जुमान का कहना था कि ये नाकाबिले अमल है। रवा माह के शुरू में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मेटा और गूगल कानून साजी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए धमकाने वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैनेडा और उसके इत्तेहादी तैयारा PS-752 को गिराने पर ईरान को बैनुल अक्वामी अदालत इंसाफ में ले जा रहे हैं। ये इकदाम ईरान के लिए बैनुल अक्वामी सालसी के सामने पेश करने की आखिरी तारीख गुजरने के बाद सामने आया है। कबल अजी ईरान ने दी हैग में दायर करदा इस मुकदमे में दरख्वास्त की है कि ICJ कैनेडा की हुकूमत को हुक्म दे कि वो 2012 में मंजूर करदा एक कैनेडियन कानून मनसूख करे। इस कानून के तहत दहशत गर्दाना हमलों से मुतासर होने वाले अफराद कैनेडा की सिविल अदालतों में मुकदमा दायर करके दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों से माली अजाले का मुतालबा कर सकते हैं। नैदरलैंड्स के शहरी दी हैग में कायम बैनुल अक्वामी अदालत इंसाफ कहलाने वाली अक्वामे मुतहदा की आला तरीन अदालत की तरफ से बताया गया है कि तेहरान हुकूमत ने अपने कानूनी दावे में कहा है कि कैनेडा ईरानी रियासत को हासिल मामूनियत की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। इसका एक पसे मंजर ये भी है कि कैनेडा ने 2012 में ईरान का नाम उन ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल कर लिया था जो दहशत गर्दी की सरपरस्ती करती हैं। तेहरान हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि कैनेडा ने अपने यहाँ ईरान और ईरानी अमलाक के खिलाफ
कई ऐसे हुकूमती कानूनी और अदालती इकदाम किए जो उस पर आयद होने वाली बैन अलाक्वामी जिम्मेदारियों के मनाफी हैं। साथ ही ईरान ने यह मुतालबा भी किया है कि उन इकदाम की तलाफी के तौर पर कैनेडा ईरान को अजाले की रकम भी अदा करे। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कैनेडियन मौसमियाती एजेंसी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुमे के रोज़ से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पीर की रात तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब से शहर में हवा के मयार का खसूसी बयान नाफिज है, जिसके मुताबिक जुमे और मुमकिन तौर पर हफ्ते तक जंगल की आग के धुएं की वजह से फिजाई आलूदगी की बुलंद सतह मुतवक्के है। इन्वायरमेंट कैनेडा के मुताबिक शुमाल मशरकी ऑन्टेरियो और क्यूबैक के जंगलात में लगी आग से उठने वाले धुएं के बादल उस इलाके में वापस आ गए हैं, जिसके नतीजे में हवा का मयार एक बार फिर खराब हो गया है। धुआं मुमकिन तौर पर हफ्ते तक जारी रहेगा। जंगल की आग के धुएं की वजह से हवा का मयार और हद निगाह के मुख्तसर फासले पर उतार चढ़ाव आ सकता है और हर घंटा घंटा सूरत हाल काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो सकती है। जंगल की आग का धुआं कम इर्तकाज में भी हर किसी की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हर कोई जंगल की आग के धुएं से अपने एक्सपोजर्स को कम करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। मैक्सिको में शदीद गर्मी के बाईस दो हफ्तों के दौरान मजीद 100 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मार्च से अब तक हलाक अफराद की तादाद 112 हो गई। मैक्सिको की वजारत सेहत का कहना है कि सबसे ज़्यादा 64 अमवात मैक्सिको की रियासत न्यू लियोन में हुई हैं। वजारत सेहत ने दर्जा हरारत से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा कि दो तहाई से ज़्यादा अमवात 18 से 24 जून के दरमियान हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान गर्मी से सिर्फ़ एक हलाकत सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की वजारत सेहत जून के महीने में मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिससे हीट स्ट्रोक और जिस्म में पानी की कमी अमवात की वजह बनी। दो हफ्तों के दौरान कम से कम 100 अफराद हलाक हो चुके हैं और कम से कम 1,550 अफराद को अस्पतालों में तिबी इमदाद दी गई। मैक्सिको की रियासत सोनोरा में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकाम ने कहा है कि रवा मौसम गर्मा में मैक्सिको भर में औसत दर्जा हरारत 30 से 45 डिग्री रहा। ख्याल रहे कि मैक्सिको की वजारत सेहत ने 1 जुलाई से एक और हीट वेव का इम्कान भी जाहिर किया है। तुर्किया, मराकश, उर्दन और मुतहदा अरब अमारात ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की शदीद मजम्मत की है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इस हवाले से कहा कि मगरब के लोगों को सिखाएंगे कि मुकदस इकदार की तौहीन करना इजहार राय की आज़ादी नहीं। दूसरी जानब रूसी सदर प्यूतिन ने बकरीद के मौके पर दागिस्तान की एक मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुरान मुसलमानों के लिए मुकदस है और दूसरों के लिए भी मुकदस होना चाहिए। उन्होंने रूस के जमहूरिया दागिस्तान के मुसलमानों से मुलाकात की और कहा कि रूस में कुरान पाक की बेहरमती आइन और कानून दोनों के मुताबिक जुर्म है। रूसी सदर का कहना था कि कुरान करीम की बेहरमती के जुर्म के इर्तिकाब पर सजा भी दी जा सकती है। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। दरबन म्यूजियम के डायरेक्टर वली फतालीफ ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सदर प्यूतन को जो कुरान तोहफतन दिया है वो मुकद्दस मक्का का है।